अहम जानकारी कोलकाता से। 8 जून को टीएमसी सांसदों की बैठक होगी। ममता के आवास पर टीएमसी सांसदों की बैठक होने वाली है। देखिए, बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है और इस बीच कोलकाता से खबर है जहां पर 8 जून को टीएमसी सांसदों की बैठक होने जा रही है। ममता के आवास पर टीएमसी सांसदों की बैठक होगी। नतीजे आ चुके हैं और टीएमसी को जो डेंट की उम्मीद थी वो डेंट उतना नहीं हुआ और टीएमसी सांसद अब इस वक्त जो कॉन्फिडेंस लबरेज नजर आ रही हैं। 8 जून को टीएमसी सांसदों की बैठक होने जा रही है और खबर यह है कि 8 जून को ही प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण होगा और इस बीच खबर यह है कि 8 जून को टीएमसी सांसदों की बैठक भी होने जा रही है। ममता के आवास पर टीएमसी सांसदों की बैठक होगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु सीएम स्टालिन की मुलाकात हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोचक मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल इंडिया और एनडीए के दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें हैं। चंद्रबाबू नायडू से मिले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने नायडू को आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने की बधाई भी दी है, क्योंकि कल इंडिया की बैठक भी थी और एनडीए की बैठक भी थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार से भी सामने आई थी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो दोनों ही बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। और कुछ यही तस्वीर नायडू और स्टालिन के सामने आई है, जहां पर ये मुलाकात होते हुए नायडू से मिले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने नायडू को चुनाव जीतने की बधाई दी। तो नायडू और स्टालिन की मुलाकात, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे और एनडीए के बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू का एक्स पर पोस्ट। सभी एनडीए सहयोगियों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया। सभी ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी को गठबंधन के नेता के रूप में समर्थन दिया गया। ये पोस्ट उन्होंने शेयर की और बीते दिन की यह तस्वीर अभी उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि देश नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध होता रहे। तो एनडीए की बैठक के बाद नायडू का एक्स पर पोस्ट और 15 दलों के 21 नेता इसमें शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को बीजेपी एनडीए की पहली बैठक हुई। पीएम आवास पर शाम 4 बजे एक घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 15 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे। और एन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये पोस्ट जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी एक्स पर लिखा है, मैंने चंद्रबाबू नायडू को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, उम्मीद है दोनों राज्यों में भाईचारा बढ़ेगा। भरोसा है कि वो केंद्र में अहम भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि दक्षिण राज्यों का वो पक्ष भी रखेंगे। तो देखिए, ये बहुत दिलचस्प है और इससे पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दोनों नेताओं की दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी और मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन दक्षिण भारत के दो कद्दावर चेहरे जब मिलते हैं तो उस वक्त की तस्वीरें किस तरीके से सामने आई आप देखें। और बहुत इंटरेस्टिंग था जब एमके स्टालिन ने पोस्ट भी किया, क्योंकि वो आईएनडीआईए का हिस्सा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कि इस वक्त एनडीए का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से जीत मिली है, प्रचंड बहुमत एनडीए ने जिस तरीके से हासिल की, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने फिर से जा रहे चंद्रबाबू नायडू, तो इसी को लेकर के स्टालिन ने पोस्ट किया जिसमें वो शुभकामनाएं देते हैं और वो ये भरोसा जाहिर करते हैं कि दक्षिण भारत के लिए वो कदम उठाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो। हालांकि बीते रोज एनडीए की बैठक हुई तो कहा गया कि इसमें मंत्रिपरिषद को लेकर के भी कई सारी चर्चाएं हुई और इसमें टीडीपी ने भी अपना पक्ष बहुत जोर से रखा है। हालांकि अब देखना होगा कि स्वरूप नई सरकार का किस तरीके से होता है और उसमें जो अलायक घटक होते हैं उनका किस तरीके से रोल होता है। और देखिए, जाहिर तौर पर ये मुलाकात की तस्वीरें लगातार सामने आई और अब क्या रोल रहता है, किस तरीके से रोल रहता है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो इस बार और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत में बीजेपी को नुकसान हुआ, उसके बाद उत्तर भारत के नुकसान की भरपाई भी जो हो पाई वो दक्षिण भारत से हो पाई, क्योंकि दक्षिण भारत में इस बार ज़बरदस्त दस्तक दी है। बात पटना की होगी। नतीजों के बाद लगने लगे हैं पोस्टर, एनडीए की जीत पर लगाए गए पोस्टर। नीतीश कुमार और पीएम को बधाई दी गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सड़कों पर नतीजों से जुड़े पोस्टर भी नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में भी एक पोस्टर लगा जिसमें पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है और डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए बधाई दी गई है। तो देखिए, आपको याद होगा जब इंडिया ब्लॉक की बैठकें चला करती थी तब नीतीश कुमार कभी पीएम हो जाया करते थे। आज अगर जब नतीजों के बाद में जब एनडीए की बैठक हो चुकी है, जब एनडीए का नेता सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया है,
तो उस दौर में अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, बिहार के पटना से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ये पोस्टर्स लग चुके हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इस वक्त नीतीश कुमार नजर आते हैं और डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता है। मोदी जी और नीतीश जी को बधाई दी जाती है, उनके कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आते हैं। बाजारों में ये पोस्टर इस वक्त नजर आ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो भूमिका और उपयोगिता है वो दोनों ही इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी एक वजह रही, और ये सबसे बड़ी वजह है इनफैक्ट, कि 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी ने अपने बूते पर भी सरकार बनाने में सक्षम होने के बाद एनडीए के कुनबे को अपने साथ आगे बढ़ाया था। लेकिन इस बार की बात करते हैं तो बीजेपी के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं था, बीजेपी 240 पर सिमट गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे, एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। तमाम अटकलों के बीच में उनके दस्तखत भी हो चुके हैं और इस बीच अब बिहार में जो पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें डबल इंजन की सरकार का जिक्र हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर इंडिया ब्लॉक ने किया मंथन, राहुल सोनिया के साथ ही घटक दल के नेता भी मौजूद रहे। खड़गे ने कहा सरकार बनाने को लेकर नहीं करेंगे कोई दावा। सूत्रों के मुताबिक खड़गे हो सकते हैं इंडिया के चेयरपर्सन, स्टालिन शरद पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। सरकार बनाने की कोशिश विपक्षी गठबंधन नहीं करेगा, समान विचारधारा वालों को साथ आने का न्योता दिया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने यह तय किया कि वो जनादेश के रूप में काम करेंगे, अभी सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। गठबंधन ने संविधान में अटूट भरोसा रखने और समान विचारधारा वाले दलों को साथ आने का निमंत्रण भी दिया है। गठबंधन के नेताओं की बुधवार को कल बैठक हुई, बैठक में यह तय किया गया कि बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि जनमत सीधे तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ है, चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था, जनता ने बीजेपी को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। देखिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नतीजों पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हुई और ये बड़ा स्टेटमेंट खड़गे ने कहा कि उचित समय पर उचित फैसला करेंगे। बढ़ते आगे और बात ओडिशा की करते हैं। नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद से इस्तीफा दिया। और ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही। फिलहाल ये आपके स्क्रीन पर तस्वीर, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार और नवीन पटनायक ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल रघुवर दास से जब मुलाकात उनकी हुई, यहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। देखिए दिलचस्प ये भी कि नवीन पटनायक 24 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्हें पटकनी मिली, 147 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें आप देखिए कि 60 से भी कम विधायकों को जीत मिली है बीजेडी की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से अब चेहरा कौन होगा। हालांकि कयासों का बाजार बेहद ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये राजनीति का एक हिस्सा है। अब देखना होगा कि वहां पर बीजेपी की तरफ से किस नेता को, किस चेहरे को आगे किया जाता है। लेकिन इससे पहले प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से शिकस्त झेलनी पड़ी, उसके बाद यहां पर पहुंचते हैं नवीन बाबू और वो सौंपते हैं राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा। लेकिन कल की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर थी, अब उसकी बात कर लेते हैं। एक ही विमान से दिल्ली आए तेजस्वी और नीतीश, फ्लाइट में नीतीश के साथ तेजस्वी नजर आए, फ्लाइट में अगल बगल बैठते हुए भी तेजस्वी और नीतीश नजर आए। अब देखिए दिलचस्प ये कि चाचा और भतीजे का जो रिश्ता है वो जग जाहिर है, कभी साथ आए, कभी रिश्तों में खटास हुई, कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा, लेकिन इन सब के बीच हम देखते हैं कि कई मौकों पर तेजस्वी और नीतीश जब साथ नजर आते हैं तो उनके बीच जो संबंध है वो भी दिखता है। और देखिए फ्लाइट से दोनों एक साथ आ रहे थे, हालांकि जब शुरुआत में बैठे तो आगे पीछे बैठे, और उसके बाद जैसे जैसे उड़ान आगे बढ़ी वैसे वैसे तेजस्वी पीछे की कुर्सी छोड़ करके आगे आ गए। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या ये सिर्फ फ्लाइट की कुर्सी बदली है या फिर सियासी जो राह है वो भी बदल गई। लेकिन शाम तक पता चला कि उड़ान भले ही एक हो लेकिन मंजिल दोनों नेताओं की अलग अलग थी। लेकिन तमाम कयासों का बाजार गर्म था और इसी बीच तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट भी सामने आता जिसमें कहते हैं कि जो भी होगा वक्त आने पर सबका जवाब मिल जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि बस एक शिष्टाचार मुलाकात थी और ये सिर्फ एक संयोग था कि दोनों नेता मिल गए और एक शिष्टाचार तक ही मुलाकात सीमित थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव आगे की तरफ बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। लेकिन इसे कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाए, लेकिन कल तब तक इसको लेकर के कयास काफी ज्यादा लगते रहे जब तक
तेजस्वी यादव INDIA की बैठक में और नीतीश कुमार NDA की बैठक में ना पहुंच गए हों, क्योंकि जिस जो लोग तेजस्वी यादव और जो लोग नीतीश कुमार को समझते हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, और इसी को लेकर के कल कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस तस्वीर को लेकर के तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। अभी अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। जनता काम चाहती है, जनता समझदार है, ये बातें तेजस्वी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की फ्लाइट में बैठे ललन सिंह पूछा जल्दी पहुंचा देंगे ना, और रूड़ी बोले राजनीतिक टेक ऑफ अच्छा रहा, लैंडिंग भी अच्छी ही रहेगी। देखिए राजनीति में आजकल आप देखिए बड़े दिलचस्प से पहलू नजर आ रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन भी कुछ ऐसा ही है। और पूजा हाँ। वो इंडिगो के पायलट हैं राजीव प्रताप रूड़ी, पायलट रहे हैं, और आप देखेंगे दिल्ली से पटना, इनफैक्ट मैं भी कई बार ऐसा हुआ है कि अगर हम लोग एक फ्लाइट से गए हों तो राजीव प्रताप रूड़ी जब भी इंडिगो की फ्लाइट में जाते हैं तो वो पायलट के तौर पर वो फ्लाइट चलाते हैं हाँ। और वहाँ पर उस तरीके से जब वो कोई अनाउंसमेंट भी करते हैं तो उसमें भी उनकी राजनीतिक छवि नजर आती है। ये यही हुआ था कि राजीव प्रताप रूड़ी उस फ्लाइट को चला रहे थे, वो पायलट के तौर पर वहाँ पर पहुँचे थे, और ललन सिंह भी क्योंकि उस फ्लाइट में मौजूद थे, JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ठीक से पहुँचा देंगे ना, जो राजनीतिक दोनों में बातचीत हुई हाँ। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक टेक ऑफ अच्छे से रहा, आप वहाँ पर बैठिए अच्छे से पहुँचा, लैंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो बहुत दिलचस्प रहती है इस तरह की बातें, और देखिए ये अच्छा भी लगता है, राजनीति जो शुचिता है, राजनीति शुचिता अगर बरकरार रहती है, आप बात करते हैं तो उसमें भी जो लहजा है आपके बात करने का, जो अंदाजे बयां हैं, वो जाहिर तौर पर लोगों को भी अच्छा लगता है। और इस तरह के जो किस्से कहानियाँ हैं वो आमतौर पर जब भी सुनने में आते हैं या दिखाई देते हैं तो लगता है कि हर कोई फील गुड ज़रूर करता है कि ये राजनीतिक शुचिता हमेशा होनी चाहिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, फडणवीस के डिप्टी CM पद छोड़ने की पेशकश, पार्टी नेतृत्व से किया इस्तीफा स्वीकार का आग्रह, प्रदेश में BJP के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उन्होंने कर ली, महाराष्ट्र में BJP को केवल क्योंकि 9 सीट मिली है 9 सीट पर संतोष करना पड़ा है, पिछली बार 23 सीट उनके द्वारा हासिल की गई थी। दरअसल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल आज अपने पद से इस्तीफा वो दे सकते हैं। प्रदेश में BJP के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनके द्वारा ली गई, पार्टी नेतृत्व से किया इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह। जिस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर BJP को पटखनी मिली है या जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहां पर BJP का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मात्र 9 सीट पर BJP को संतोष यहाँ करना पड़ा। और उनका कहना है कि मैं अपने जो कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा हूं, बल्कि मुझे फिलहाल सारे पदों से मुक्त किया जाए, कर्तव्यों से मुझे मुक्त किया जाए, ताकि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें मैं जनता के लिए सेवा में एक बार फिर से जुट सकूं। बढ़ते आगे, जीत का जश्न, विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया, वेलकम किया, रामलीला मैदान से माधवगंज तक रोड शो भी इस दौरान किया गया। और देखिए किस तरह से यहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी, जीत का जश्न, भारी मतों से जीते शिवराज। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व CM और शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे थे, बीते दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां BJP के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रामलीला मैदान से माधवगंज चौराहे तक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, BJP कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह पर शिवराज सिंह का वेलकम किया गया, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते विदिशा की जनता का धन्यवाद किया। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में भी पहुंचे थे, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सभी BJP के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया, और BJP मुख्यालय में 7 जून को सभी मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग भी होगी। तो दिलचस्प होगा कि अब क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार इस चीज़ को लेकर के आतुर हैं, क्योंकि वादा BJP के तमाम बड़े चेहरों की तरफ से किया गया था कि आप जितवा दीजिए और उसके बाद केंद्र में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, और अब तो रिकॉर्ड जीत शिवराज सिंह चौहान ने हासिल की है। तो विदिशा से ये तस्वीर, विदिशा लोकसभा सीट से BJP के विजयी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय लोगों के साथ चाय का लुत्फ भी उठाया। देखिए शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में क्योंकि उन्हें मामा कहा जाता है, तो पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचते हैं लोगों के बीच में
और आम जनता के साथ वो बिल्कुल आम की तरह किस तरीके से देखे चाय का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। और इस बार विदिशा से, हालांकि विदिशा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बीजेपी का गट रहा है, बीजेपी के कई बड़े चेहरे जो कि संसदीय सीट से जीत हासिल जिन्होंने किया है, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर के हम देखते हैं कि इमोशनल रुख भी होता है आम जनता का। और खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो योजनाएं चलाई गई थी, जिसे प्रमुख तौर पर लाडली बहना योजना का जिक्र होता है, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उसमें ये एक बहुत अहम योजना साबित हुई जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और अब शिवराज सिंह चौहान को, हालांकि जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो एक नाराजगी थी समर्थकों के बीच, लेकिन वो तमाम जो चीज़ें थी, अब देखिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जब यहाँ पर जीत मिली और रिकॉर्ड मतों से कहा गया कि 7.5 से 8.5 लाख के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की, तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। और इसी बीच खबर ये भी कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली भी बुलाया गया है। और देखिए जाहिर तौर पर उनको दिल्ली बुलाया गया है, और जिस तरीके से विदिशा में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और लगभग 8 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर उन्होंने अपने नाम पर एक रिकॉर्ड कायम किया है। और जाहिर तौर पर बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा था, हालांकि तब वो मुख्यमंत्री थे और लगातार प्रचार करते, और उसके बाद सीएम पद उनको नहीं मिला, नाराजगी। अब ये देखना होगा कि उनके कार्यकर्ताओं की खुशी के लिए भी और उन्होंने जो बड़ी जीत हासिल की है उसके उधार पर भी उनको क्या महकमा दिया जाता है, क्या उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, और कैबिनेट में जगह मिली तो उन्हें क्या मंत्रालय मिल सकता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 2024 में 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, 78 प्रत्याशी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे, जिनमें कांग्रेस 7, टीएमसी 5, सपा 3, एआईएमआईएम 1। 2019 के मुकाबले इस बार जो आंकड़ा है मुस्लिम सांसदों का वो कम है, दो आंकड़ा कम है। 2024 में 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जबकि पिछली बार की बात करते हैं तो उससे दो और ज़्यादा थे, मतलब 26 मुस्लिम सांसद पिछली बार जीत कर आए थे। 78 प्रत्याशी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन 24 ने कामयाबी हासिल की, तो इस लिहाज से देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले दो सांसदों की तादाद में कमी हुई है। 2019 के मुकाबले इस बार दो का आंकड़ा कम हो गया। 78 प्रत्याशी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे, जिनमें समाजवादी पार्टी हो, एआईएमएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबने कितने कितने उम्मीदवार उतारे वो भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। सपा ने 3 उतारे, एआईएमएम ने 1 उतारा 2019 के मुकाबले, इसीलिए इस बार की अगर बात करते हैं तो ये आंकड़ा कम हुआ है। आगे बढ़ेंगे, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है, मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दे दिया है, राउजेवी ने कोर्ट ने खारिज कर दी है अंतरिम जमानत याचिका। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, राउजेवी ने कोर्ट ने खारिज की उनकी अंतरिम जमानत याचिका, और एक बार फिर से जो उनकी न्यायिक हिरासत है वो 19 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें देखिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और एक बार फिर बीमारी को आधार बनाकर याचिका दी थी, हालांकि केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई, यानी कि 19 जून तक ही जेल में अभी रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अब देखना होगा कि उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है।